Hello friends, my name is Sadashiv Takhale and you are watching Knowledge Planet. Today we are going to learn what is Hund's rule. In Hund's rule, Hund explain about how to feel the electrons in one of the orbitals. You know that there are different orbitals like S, P and D and F. So Hund explained that if the several orbitals of the same type or same energy level are available, then electron field first with the parallel spin before pairing in one of the orbital. Means what? You know that suppose for example in the case of p orbital having a three orbitals px, py and pz. Means actually p orbitals kaisa rehta hai, samjho. For example, these are the axis. Suppose this is the x axis, this is a y axis and this is a z axis. Means p orbitals having which shape? Dumbbell shaped. P orbital kaisa shape rehta hai? Dumbbell shape rehta hai. Wo teen एक्सिस पे तीन ऑर्बिटल्स रहते हैं. ये है पी एक्स ऑर्बिटल, ये है पी और वाई ऑर्बिटल एंड ये है पी झड ऑर्बिटल. हर ऑर्बिटल पे ये पी एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? छः इलेक्ट्रॉन हो गए. दैट्स वाई पी ऑर्बिटल कैपेसिटी क्या है? सिक्स है. सो उसी प्रकार अगर हंस ने क्या बताया है, अगर समझो इफ सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम टाइप, सेवरल ऑर्बिटल मतलब क्या, यहाँ पे पी एक्स अवेलेबल है, पी वाई अवेलेबल है एंड पी झड़ ऑर्बिटल है. अगर सेवरल ऑर्बिटल्स अवेलेबल है सेम टाइप्स के, एक के है, ये भी पी का है, ये भी पी का है, ये भी पी का है, मतलब सबकी एनर्जी लेवल सेम है. अगर एनर्जी लेवल सेम है, सबकी टाइप सेम है, देन इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट विथ पैरेलल स्पिन. पैरेलल स्पिन मतलब क्या है, समझो स्पिन, यहाँ पे इसकी स्पिन कैसे रहती है, ऐसे रहती है, और इसकी स्पिन ऐसे रहती है. स्पिन मतलब क्या, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन. तो इलेक्ट्रॉन भरते वक्त समझो इसकी कैपेसिटी कितनी, छः है. समझो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है. सो आई हैव टू फील दिस, ऐसे नहीं भरने का. कितने है इलेक्ट्रॉन मेरे पास, चार है. तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज नॉट अलाउड. सो कैसे भरने का है, समझो ये पी ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई एंड पी झड है. तो द सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम टाइप आर अवेलेबल, देन इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट विथ द पैरेलल स्पिन. पैरेलल स्पिन मतलब क्या, समझो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले ए स्पिन डाली, बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे पेयरिंग की है बिफोर पेयरिंग इन वन ऑर्बिटल. मतलब एक ऑर्बिटल में पेयरिंग, पेयर मतलब क्या, जोड़ी, पेयरिंग करने का नहीं है. क्यों नहीं करने का है, पहले क्या करने का, पहले एक स्पिन के पैरली भरो. मतलब क्या, समझो यहाँ पे एक भरा मैंने, तो सेकंड यहाँ पे नहीं भरने का, सेकंड यहाँ पे भरने का. थर्ड मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भरने का. अगर फोर्थ मेरे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आके ऐसा भरने का, उसके बाद ऐसा भर सकता हूँ. दिस इज द करेक्ट मेथड. सेम केस है डी ऑर्बिटल में. समझो डी ऑर्बिटल मतलब क्या, फाइव ऑर्बिटल्स आर देयर, डी एक्स वाई, डी एक्स झड, डी वाई झड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी झड स्क्वायर. ये नाम है दोस्तों डी के. डी के पांच ऑर्बिटल्स है, इसकी कैपेसिटी कितने हैं, टेन इलेक्ट्रॉन्स. हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से टेन इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर सकते हैं. सेम केस है, समझो मेरे पास आठ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कैसा भरूंगा, पहले यहाँ पे एक डालूंगा, उसके बाद पैरेलली भरना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, मतलब पांच हो गए, पैरेलली फिल हो गया, उसके बाद एक में आके भर दो, उसके बाद यहाँ भर दो, उसके बाद यहाँ भरो. ओके, दिस इज अ करेक्ट मेथड. मीन्स व्हाट, हंस ने बोला है अगर सेम टाइप्स के या सेम एनर्जी लेवल के अगर ऑर्बिटल्स, सेवरल ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भरते वक्त एक ही ऑर्बिटल में पेयर मत करो जब तक पैरेलली भर न जाए. पैरेलली भर न जाए मतलब तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, तभी पेयरिंग करना है. पेयरिंग कब करना है, सबके ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब बाद में पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज अ सिंपल हंड्स रूल. क्या बोला हंड्स रूल ने, अगर सेवरल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम टाइप और सेम एनर्जी लेवल आर अवेलेबल, देन इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट विथ पैरेलल स्पिन बिफोर पेयरिंग इन वन ऑर्बिटल. दिस इज अ सिंपल हंड्स रूल. ओके दोस्तों, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में और अगले और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.